Welcome students, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to start today is the present continuous tense. Present continuous tense, जैसे हमने देखा था कि tenses four types के होते हैं. First it is present, past and future, and then further it is like simple, continuous, perfect and perfect continuous. आज हम जो शुरू करने वाले हैं topic, वो है हमारा present continuous tense. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी conditions या ऐसी कौन सी situations होती हैं जहाँ पर हम present continuous tense को use करते हैं. So let's look into that. So the first condition is when someone is doing an action at the time of the moment. मतलब कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, at the time of speaking, अगर मैं इस समय की बात कर रही हूँ और अगर कोई आदमी या कोई भी वो कोई काम कर रहा है तो उस केस के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. अक्सर हिंदी में लोग कहते हैं मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसी समय की है. ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं दो घंटे पहले की, वो प्रेजेंट होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा. लेकिन अगर मैं अभी की इस समय की बात कर रही हूँ सो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मीन्स व्हेन समवन इज़ डूइंग एन एक्शन एट द मोमेंट, मतलब जिस समय की मोमेंट, जिस समय की बात है उस समय कोई आदमी वो काम कर रहा है. अगर मैं कहती हूँ कि रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब ये है कि इस समय जिस समय मैं बात कर रही हूँ उस समय रोहित जो है वो क्रिकेट खेल रहा है इस समय. अब अगर मैं कहूँ बेकर इज़ बेकिंग, इज़ मेकिंग कुकीज़, जो बेकर है हमारा, जो भी बेकरी शॉप में काम करता है, वो कुकीज़ बना रहा है, ही इज़ मेकिंग कुकीज़, राइट. सो इन दैट केस वी विल यूज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इस समय जिस समय मैं बात कर रही हूँ वो लोग ये काम कर रहे हैं. इसकी जगह मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इस समय मैं आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ, यानी कि इस समय मेरा क्या एक्शन है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं इस समय आपको ये पढ़ा रही हूँ. सो दिस इज व्हेन समवन इज डूइंग एन एक्शन एट द मोमेंट, यानी कि जिस समय बात हो रही है कोई आदमी कोई काम कर रहा है. लाइक रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, बेकर इज मेकिंग कुकीज, एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश. सो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. The second condition is when something is happening at the moment. मतलब पहला हमने देखा कि जब कोई आदमी कोई काम कर रहा है उस moment पे, उस समय पे, और second है जब कोई चीज़ हो रही है उस समय पर, तो उस case में भी हम present continuous tense को use करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कि बारिश हो रही है, means at this time it is raining outside. It is raining outside. मतलब बाहर बारिश हो रही है. तो जिस समय मैं ये बात बोल रही हूँ उस समय क्या काम हो रहा है, बारिश हो रही है. मैं कहूँ कि AC चल रहा है, so in that case AC is working. यहाँ पर बात होती है किसी चीज़ के कोई काम करने की. जब हम बात करते हैं कि कोई काम हो रहा है लेकिन वो कोई इंसान नहीं कोई चीज़ कर रही है, उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम कर रही हैं, या द बेस्ट वे इज़ लाइक आप खड़े हो जाइए, बाहर जाके देखिए, आप देखेंगे कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन दैट. ओके, सब्जी वाला जा रहा है, मेड आ रही है, एंड एनीथिंग. सो इस तरह से आप वो बात सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. या अगर आप देखें फ्रिज चल रहा है, गैस चल रहा है, दूध उबल रहा है, कोई भी चीज़ जो उस समय काम हो रहा है, कोई चीज़ के द्वारा काम हो रहा है, सो इन दैट केस वी यूज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इट मीन्स दैट व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट, जिस समय मैं बात कर रही हूँ या आप बात कर रहे हैं
वो चीज़ वो काम कर रही है, वो काम हो रहा है, दैट इज़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, एसी इज़ वर्किंग, एसी काम कर रहा है. सो कुछ भी हो सकता है, ट्रक आ रहा है, ट्रक जा रहा है, कोई भी काम जिस समय वो हो रहा है, वो चीज़ हो रही है, इन दैट केस वी यूज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देखते हैं अब अगली कंडीशन. द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन समथिंग इज हैपनिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जब कोई चीज़ उस पीरियड में हो रही है, मतलब इस समय एग्जैक्टली नहीं हो रही है लेकिन उस पीरियड में हो रही है, सो उस केस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कहते हैं कि मैं इंग्लिश, आजकल मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो जिस समय आप उसको बता रहे हैं उस समय, उस एग्जैक्टली उस मोमेंट पे आप नहीं पढ़ रहे, बट उस पीरियड ऑफ टाइम में, उन दिनों की बात हो रही है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं. सो यू कैन से दैट यू नो आई एम लर्निंग इंग्लिश So I'm learning English these days, or I'm learning English. आप these days भी बोल सकते हैं, आजकल, आजकल इन दिनों मैं English पढ़ रहा हूँ. So that means जिस समय आप उसको ये बात बता रहे हैं उस समय आप English नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, but उस दौरान, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है. इसीलिए हमने कहा दैट व्हेन समथिंग इज हैपनिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड में, उस समय में वो बात हो रही है, इन दैट केस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं. आई एम इन दिल्ली बट माई हस्बैंड इज ट्रैवलिंग. My husband is traveling. यानी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस समय मैंने आपसे कहा वो प्लेन में हो या ट्रेन में हो, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं फॉर हिज वर्क, फॉर हिज बिजनेस और एनीथिंग. वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो यहाँ पर बात हो रही है उस पीरियड ऑफ टाइम की, उस समय, उस दौरान जब वो ट्रैवल कर रहे हैं. सो इस तरह से हम बात करते हैं उन एक्शंस की या उन चीज़ों की जो हो रहे हैं, बट जिस समय आपने कहा उस समय नहीं हो रहे हैं लेकिन उस पीरियड में, उस दौरान हो रहे हैं. लाइक अगर मैं कहती हूँ कि इट्स इज़ रेनिंग हैविली, इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत बारिशें हो रही हैं. हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, या मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है वो मुंबई में रहती है, मैंने उसे कॉल किया और मैं उसे कहती हूँ दिल्ली में बहुत बारिशें हो रही हैं, लेकिन जिस समय मैंने उसको बताई ये बात, उस दिन, उस समय, उस पल वो बारिश नहीं हो रही है, बट उस पीरियड की बात हो रही है, उस पीरियड में बारिशें हो रही हैं. इट इज़ रेनिंग हैविली इन दिल्ली. So these are some conditions where we use present continuous tense. Apart from these three conditions, we have one more condition जहाँ पर हम present continuous tense को use करते हैं. The last condition, as I said, was we use it for a fixed plan in future. Fixed plan मतलब आप अभी आपने कोई planning कर ली है future की, so उस case के लिए हम इसको use करते हैं. Like if I say that Dheeraj is getting married next year. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की, लेकिन ये एक फिक्स प्लान है. धीरज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि वो शादी करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर. सो ये एक एक्शन है. और सबसे बड़ी बात कि प्लानिंग आप प्रेजेंट में कर रहे हैं. आज अब जिस समय मैं बात कर रही हूँ वो चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि वो शादी करने वाले हैं. सो दैट मीन्स धीरज इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. यूजुअली इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, दे आर ऑल क्रिकेट लवर्स. तो अगर मैं कहूँ कि आफ्टर द करंट सीरीज इंडियन टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड
करंट सीरीज जो भी अभी हमारी चल रही है उसके बाद इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड जाएगी या जा रही है। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, इस तरह की सीरीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, उनका एक फिक्स प्लान है कि ये सीरीज खत्म होगी और उसके बाद वो आगे की खेलने के लिए इंग्लैंड चले जाएंगे। सो दैट मीन्स आफ्टर द करंट सीरीज इंडियन टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप प्लान करके रखते हैं पहले। जैसे मैं दिवाली पे घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम फॉर दिवाली, या आई एम नेक्स्ट ईयर आई एम गिविंग माई एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम आपने दिया नहीं, लेकिन आप प्लानिंग कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, आपका फिक्स प्लान है मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ। सो आप फिक्स प्लान आउट कर चुके हैं, आज ही उसकी प्लानिंग कर चुके हैं, तो उस केसेस में हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम गोइंग फॉर अ मूवी ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक प्लान कर चुकी हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ। सो इन दैट केस आई विल से आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। अगर इसको मैं ये कहूँ आई विल गो फॉर अ मूवी, कई लोग कहते हैं फ्यूचर है, हम क्यों नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स वी कैन से आई कैन आई एम गोइंग फॉर अ मूवी और आई विल गो फॉर अ मूवी, दोनों सही हैं। लेकिन फ़र्क ये है, अगर मैं कहती हूँ आई विल गो फॉर अ मूवी, इन दैट केस नथिंग इज प्लान्ड आउट, कोई फिक्स प्लान नहीं है मेरे पास, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम गोइंग, तो शायद मैंने कहीं पर किसी तरह की प्लानिंग करके रखी है, शायद मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये फिल्म देखनी है, या इस दिन जाना है, या यहाँ जाना है, या ये शो देखना है। तो वो किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग हो सकती है जब हम उसकी बात करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर अ फिक्स प्लान विच विल हैपन इन फ्यूचर एंड दैट यू डू द प्लानिंग इन द प्रेजेंस। सो दीज आर सम कंडीशंस वेयर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग भी सोच सकते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं, राइट? जैसे आप शाम को बाहर जाने वाले हैं, या कुछ भी करने वाले हैं, कोई भी एक्शन हो सकता है, आप उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसको हम इस कंडीशन में डालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमने यूज़ किया वॉज वेन समवन इज़ डूइंग समथिंग एट दैट मोमेंट, जिस समय आप बात कर रहे हैं। सेकेंड, वेन समथिंग इज़ हैपनिंग एट दैट मोमेंट, जब उस समय जब आप बात कर रहे हैं कोई चीज़ हो रही है। थर्ड कंडीशन इज़ वेन समथिंग इज़ हैपनिंग इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस दौरान उस पीरियड में वो हो रहा है। जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, अभी नहीं हो रही लेकिन आजकल हो रही हैं। सो इट इज़ रेनिंग दीज डेज, इट्स रेनिंग, राइट? और लास्ट कंडीशन जो अभी हमने देखा कि जब आप एक फिक्स प्लान करते हैं एक फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द फॉर्मूला एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स लुक इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशंस। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन वी हैव इज आई एन जी, वर्ब इज वी आर गोइंग टू यूज द वर्ब इन आई एन जी फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव की बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट, देन वर्ब विद आई एन जी एंड द ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा था इंटरोगेटिव के केस में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं हर जगह हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं वो हैं हमारे एम, इज एंड आर। नाउ लेट्स लुक इनटू कौन से कहाँ पर यूज़ करते हैं। एम जो है ये हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, और इस जो है हमारा दिस इज विद, वी यूज दिस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहाँ पर लास्ट हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा डज या वर्ब प्लूरल सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं, उसी तरह से इज एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इस को हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। लाइक ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, और रोहित इज़ गोइंग, और बॉय इज़ गोइंग।
And in case of R, बाकी जितने भी हैं हमारे like we, you, they और plural, उन सब के साथ हम R को use कर सकते हैं like we, you और they और anyone plural, इन सब के साथ हम R को use करते हैं. So in case of helping verbs, present continuous tense के केस में I के साथ हम am को use करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस को और बाकी जो भी बच गए वी यू दे एंड प्लूरल इनके साथ हम आर को यूज करते हैं. सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस, कुछ एक्सरसाइज करते हैं. ओके, लेट्स मेक सम एग्जांपल्स विद ऑल ऑफ देम. हम इन तीनों सब्जेक्ट्स में से एक एक सब्जेक्ट को लेकर एग्जांपल बनाएंगे. अगर मैं सबसे पहले लेट्स टेक आई, अगर मैं आई को लेती हूँ, सो वी नो कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा एम है. सो आई एम वर्किंग विद डिजिमेंटो, राइट. आई एम वर्किंग विद डिजिमेंटो, मैं डिजिमेंटो में काम करती हूँ, राइट. अब इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे सो इट विल बी आई एम, और एम के साथ हम हमेशा नॉट लगा रहे हैं. इन शॉर्ट हम इसे आई एम एंट, आई एम नॉट, आई एम एंट, एम एंट बोलेंगे. आई एम एंट वर्किंग विद डिजिमेंटो. जब हम इसका क्वेश्चन होगा सो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगा. सो इट इज एम आई वर्किंग विद डिजिमेंटो, क्या मैं डिजिमेंटो में काम करती हूँ. इन दैट केस हम यहाँ पर एम को पहले ले आएंगे. अब मान लीजिए मैं आई की जगह कोई और सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ. लेट्स से मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कोई लेती हूँ लाइक ही. अब जैसे मैंने यहाँ पे ही लगाया दैट मीन्स आई हैव चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम आई टू ही. ऑटोमेटिकली मेरा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा. ही के साथ हम यूज़ करेंगे इज. सो ही इज, बाकी पूरा सेंटेंस इसी तरह से रहेगा. ही इज वर्किंग विद डिजिमेंटो. इन केस ऑफ नेगेटिव ही इज नॉट वर्किंग विद डिजिमेंटो. क्वेश्चन विल बी इज ही वर्किंग एट डिजिमेंटो, क्या वो डिजिमेंटो में काम करता है. सो जैसा आपने देखा कि जैसे ही हमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया ऑटोमेटिकली हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि हमारे जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं. लेट्स टेक द अनदर वन, तीसरा सब्जेक्ट लेते हैं. लेट्स से यू, जहाँ पर मैंने यहाँ पे चेंज किया सब्जेक्ट फ्रॉम ही टू यू, सो ऑटोमेटिकली वी विल टेक द हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर. यू आर वर्किंग विद डिजिमेंटो, तुम डिजिमेंटो में काम करते हो, डिजिमेंटो के साथ काम करते हो. और हेयर ऑल्सो वी विल चेंज फ्रॉम ही टू यू. सो यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग विद डिजिमेंटो, तुम डिजिमेंटो के साथ काम नहीं करते हो. एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन इट विल बी आर यू वर्किंग विद डिजिमेंटो, क्या तुम डिजिमेंटो के साथ काम करते हो. सो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा तीनों एग्जाम्पल्स में आई ही एंड यू, हमने तीनों सब्जेक्ट्स लिए और जैसे हमने सब्जेक्ट्स चेंज करे ऑटोमेटिकली हमने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए. सो आपको ये याद रखना है कि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर और जो बाकी हैं उनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. यहाँ पर आपके एरर्स ज़्यादा नहीं आते और नॉर्मली ये टेंस वो है जो बहुत कंफर्टेबल है, लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इसे यूज़ करने के लिए. बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स. जिस तरह से हम आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आप चाहें तो अपने आसपास देख सकते हैं आप किस तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं. आप अपने खिड़की से नज़र घुमाइए, बहुत कुछ हो रहा है. उन सबको आप इसी तरह से एक एक करके सेंटेंसेस में डाल सकते हैं. सो अगर आप इस तरह से भी उनको यूज़ करते हैं और डालते हैं तो भी आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे एंड यू विल हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस.
let's look into some examples now with some questionnaires. Aapko fill in the blanks hai. So, usme dekhte hain ki aap kis tarah se unko answer karte hain. So, we will look into that now. So, students, let's do some exercises related to your present continuous tense. Yahan par aapko kuch examples dikh rahe hain. Hum unhi ko practice karenge to make the sentence structures more clear to you. Sunita is singing a song. Sunita gana ga rahi hai. So, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, this is a positive sentence, तो इसको जब हम practice करेंगे, in negative and interrogative, Sunita is not singing a song, is Sunita singing a song? आप चाहें, तो इसे pause करके, इसको practice कर सकते हैं. The next slide shows that the girl is doing her homework, लड़की अपना काम कर रही है. So, it is a girl who is doing her work. Now, this is also a positive sentence. So, negative will be, the girl is not doing her homework. Ladki apna kaam nahi kar rahi hai. So, the interrogative will be, is the girl doing her work? Kya ladki apna kaam kar rahi hai? Then, if we go for our next slide, we'll see that, is she learning piano? Kya wo piano seekh rahi hai? Here, if we see, this is, the helping verb is before the main subject. So, that means this is an interrogative sentence. Wo ek interrogative sentence hai. To, iska positive kya hoga? Aap chahein, to pause karke practice kar sakte hain. Aur, mere saath bhi aap repeat kar sakte hain. Positive sentence will be, she is learning piano. Wo piano seekh rahi hai. Negative will be, she isn't. Isn't, remember, short form, isn't. She is not or she isn't learning piano. Wo piano nahi seekh rahi hai. The next sentence is they. So, they, it is your third person singular. So, they are watching a movie. Wo ek movie dekh rahe hai. So, the question will, I mean, the negative will be, they are not watching a movie. Wo movie nahi dekh rahe hai. So, what will be the question? Are they watching movie? Kya wo movie dekh rahe hain? So, you can practice with me like that many other sentences. The next slide here we have shows, is Govind having his lunch? Kya Govind apna lunch kar raha hai? Dekhe, aap picture dekhe keh sakte hain, kya wo lunch kar raha hai? I think wo kuch pee raha hai, shayad chai ya coffee. So, aap chahein to isse short mein bhi answer kar sakte hain, no he is not. Ya, aap iske aur sentences like positive and negative bana sakte hain. So, the positive sentence kya hoga? Govind is having his lunch or Govind is not having his lunch. Or here the question is Govind having his lunch? To iska short form kya hoga? No. He isn't, right? Wo nahi kar raha hai. Dekhiye, aap picture dekh ke keh sakte hain ki wo lunch kar raha hai. Nahi, wo nahi kar raha. No, he isn't. The next sentence is, the baker is making a cake. Baker cake bana raha hai. Here we can see that he is making a cake. So, the negative is, the baker is not making a cake. Baker cake nahi bana raha hai. So, the question will be, is the baker making cake? Kya baker cake bana raha hai? So like that, you can also make your own sentences. Aap apne bhi aur bahut sare sentences bana sakte hain. Jaisa maine aap se pehle bhi kaha ki aap apne aaspas de sakte hain. Kya kaam ho raha hai? Kaun kya kar raha hai? Accordingly, aap unko tino forms mein, sentences mein dal sakte hain. So, now let's do some exercise to have more practice of it. So, the exercise out here says, the first is, don't turn off the system. I dash listen. Here, aapko yahan pe jo aapko bracket mein verbs de rakhe hain, aapko unko use karte hue sentence banana hai. So, don't turn off the system. System band mat kijiye. Aap kya kar rahe hain? I am
What are you doing? I am listening to it. मैं इसे सुन रहा हूँ. बंद मत करो, मैं सुन रहा हूँ. The next question says, the next sentence says, you dash very frail. Are you sick? Frail means आप बहुत जैसे थके होते हैं, आपका चेहरा पीला सा दिखता है. कहते हैं ना, अरे बड़े पीला सा चेहरा लग रहा है या बहुत थके हुए लग रहे हो. Are you sick? क्या तुम बीमार हो? So here it is, you are feeling frail. आप बहुत ज़्यादा थकावट या महसूस कर रहे हो. So you, यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया you के साथ are, because you is your second person, और second person के साथ हम हमेशा are को यूज़ करते हैं. The next is we dash of shifting to a new house. We, first person plural, उसके साथ हमारा क्या helping verb आएगा? We are, और verb है हमारा plan. So it is we are planning. We are planning of shifting to a new house. हम एक नए मकान में shift करने का plan कर रहे हैं. Next here, the next example, if you see here, it is an interrogative sentence. So obviously, hamara helping verb pehle jayega subject se. Subject is he. He ke saath hamara helping verb hota hai is. Is he learning Spanish these days? Kya wo aajkal Spanish seekh raha hai? Is he learning Spanish these days? The next is we dash lunch. Can you call us later? हम lunch कर रहे हैं, क्या आप हमें बाद में call कर सकते हैं? So we के साथ helping verb हमारा क्या आएगा? We are, and the verb here is have. So we are having lunch. हम lunch कर रहे हैं. Next sentence is excuse me, you dash in my place. तुम मेरी जगह पर बैठे हो. द वर्ब हियर इज सिट, राइट? और यू के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आर. यू आर सिटिंग इन माई प्लेस. तुम मेरी जगह पर बैठे हो. द नेक्स्ट सेंटेंस दे, एंड हियर इफ यू लुक एट द ब्रैकेट, इट इज़ नॉट एंड वर्ब. सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट? दे डैश विथ टाटा. वो टाटा में काम नहीं कर रहे हैं. सो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर, एंड देन वी विल यूज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, द फॉर्मूलाज. दे आर नॉट, एंड द वर्ब विल बी वर्किंग. दे आर नॉट वर्किंग विथ टाटा. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज डैश इट outside, और verb है हमारा bracket में rain, and again it is an interrogative sentence, क्योंकि पहले हमारा helping verb आ रहा है और यहाँ पे question mark है हमारा. So it के साथ हम क्या use करते हैं? Yes, it is it raining outside? क्या बाहर बारिश हो रही है? So these are some exercises related to your continuous tense, present continuous tense. So please practice them, and please practice some more sentences, and then also if you have some problem, you can get back to us for your more queries or your doubts. Thank you.